अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की ऑप्टिमाइजेशन हम किस तरह से करेंगे वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन होती क्या चीज़ है और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन उसके बाद हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करने के और लास्ट पे हम लोग विनेडियम जो कि एक एलिमेंट है इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम लोग उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता क्या है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। कि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मयर्स करते हैं उन मयर्स को और उस प्रोसेस को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं अब उसमें किस तरह के मयर्स हो सकते हैं बाय मिनिमाइजिंग द वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी एक्सपेरिमेंट में आने वाले चेंजेस या फ्लक्चुएशंस को हम कह सकते हैं इन मयरमेंट्स कि जो हमारी मयरमेंट्स के अंदर वेरिएबिलिटी आ रही है उसको मिनिमाइज करने से एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रिसन और प्रिसीजन को मैक्सिमाइज करने से ये दो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं इसके ज़रिए से हम लोग सिंपल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की डेफ़िनेशन ये है कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की एक्यूरेसी प्रिसीजन या उसके मेथड्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना और उसके रिजल्ट्स को इंप्रूव करना ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है नेक्स्ट देखते हैं गोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हम ऑप्टिमाइजेशन करते क्यों हैं इसके बारे में हमने पहले तो पढ़ ही लिया है कि हम लोग अपनी एक्योरेसी प्रिसीजन और सेंसिटिविटी वगैरह को इंक्रीज करने के लिए और अपने रिजल्ट्स की मोर एकूरेसी करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं द गोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज टू अचीव मोर एकट एंड रिलायबल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या है कि हम लोग ज़्यादा एकूरेट और ज़्यादा रिलायबल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को अचीव कर सकें ताकि हमारे रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है उनको टेस्ट करने के लिए उनको यूज़ किया जा सके और आंसर साइंटिफिक क्वेश्चन या किसी भी साइंटिफिक क्वेश्चन के आंसर दे सके हम लोग अपने उन रिजल्ट्स के ज़रिए से स्टूडेंट्स जो ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये हमारे लिए कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है क्योंकि इसके ज़रिए से हमारा अमाउंट ऑफ सैंपल या अमाउंट ऑफ रिएजेंट बढ़ जाता है क्योंकि जब भी हम ऑप्टीमाइज मेथड करते हैं या ऑप्टिमाइज प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल यूज़ करते हैं उससे हमारा एनालिसिस टाइम भी इम्प्रूव होता है और हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी और प्रोसीजन भी इम्प्रूव होती है अभी हमारे पास हर इंडस्ट्री में हर ब्रांच में हर साइंस के फील्ड में ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और स्पेशली क्योंकि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है और यहाँ पे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में होने वाले एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के की ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हैं तो उसमें हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हर जो एक्सपेरिमेंट जो भी एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट या एनालिस्ट लैब में परफॉर्म कर रहा है उसका मकसद यही होता है कि वो एकट और रिलायबल रिजल्ट्स को निकाल सके ऐसे रिजल्ट्स जो कि उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आने वाले साइंटिफिक क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को सच्चा साबित कर सके या प्रूव कर सके तो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है हमारे रिजल्ट्स को ज़्यादा एकट बनाने में और इसके अंदर आने वाली जो वेरिएशन हैं उनको कम करने में तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि अगर हम बिंगा केमिस्ट या एनालिस्ट लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं और हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे सो आर सेवन बेसिक स्टेप्स जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं इनको पढ़ते हैं फर्स्ट वन इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव देन वी हैव टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ वेरेबिलिटी थर्ड स्टेप पे हैव टू अ प्लान फॉर कंट्रोलिंग वेरेबिलिटी फोर्थ पे हम करेंगे कंडक्ट अ पायलट स्टडी एंड देन इम्प्लीमेंट द ऑप्टिमाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर देन वी विल मोनिटर एंडल्ट और लास्ट पे हम लोग प्रोसीजर की रिफाइनिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स इन स्टेप को आपने याद करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपने इन स्टेप्स को लिखना है और अगर ये आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आपने इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड आपकी हर कन्फ्यूजन दूर हो जाए और ये वाले जो स्टेप्स हैं आपको फिंगर टिप्स पर याद भी हो जाएंगे तो चलिए स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप हमने करना होता है वो हमने डिफ़ाइन द ऑब्जेक्टिव करना होता है कि उस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है उसके मकसद को हमने डिफ़ाइन करना है तो इस प्रोसेस के अंदर वी विल रेज द इशू कि हमारा साइंटिफिक क्वेश्चन कौन सा है और हमारा रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है इसको पढ़ते हैं आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथिस ये सबसे पहले हम लोग अपना रिसर्च का क्वेश्चन या साइंटिफिक जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे दैट नीड्स टू बी एड्रेस वो क्वेश्चन जिसको एड्रेस होने की ज़रूरत है मतलब कि उसके जो प्रॉब्लम है उसको हमें रेज करने की या एड्रेस करने की लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव था और उसका प्रॉब्लम था उसको हमने आइडेंटिफाई किया दिस प्रोसेस इन वॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड टारगेट्स इस प्रोसेस में हम अपने गोल्स और टारगेट्स के आइडेंटिफिकेशन करेंगे या जो हमारा एम है जो हमने इस ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के जरिए से अचीव करना है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ वेरिएबिलिटी अब हम लोग ने स्टेप वन में जो अपना की पैरामीटर था उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता चलने के बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है वो हमने अपनी मेजरमेंट को इफ़ेक्ट करने वाली पोटेंशियल सोर्सेज और वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है वेरिएबिलिटी का आपको पता है कि हमारे प्रोसेस में आने वाली चेंजेस या वेरिएबल्स और स्टूडेंट्स पोटेंशियल सोर्सेज का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट या हमारी सैंपल प्रिपरेशन ये हमारी मयरमेंट्स और हमारे प्रोसीजर के जो कंपोनेंट्स की ख़राबी है वो वाले जो सोर्सेस हैं उनको हम लोग पोटेंशियल सोर्सेज कहते हैं आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ वेरिएबिलिटी दैट में अफेक्ट द मयरमेंट्स तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने पोटेंशियल सोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारी मयरमेंट के अंदर वेरिएबिलिटी मतलब चेंजेस ला रहे हैं दिस कैन इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी आ सकता है भी आ सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम यूज कर रहे हैं या उसके बाद ऑपरेटर का एरर भी आ सकता है ऑपरेटर मतलब जो हमारा एनालिस्ट है उसमें अगर कोई आयर है अगर उसको सही तरह नॉलेज नहीं है तो वो जाहिर वे है वेरेबिलिटी कास्ट करेगा थर्ड स्टेप है डिवेलपर कंट्रोलिंग वेरेबिलिटी अब किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कि हम एक प्लान बनाएं जिस प्लान के ज़रिए से हम उसमें आने वाली वेरिएबिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हो अब हम देखते हैं कि हमने अगर जब प्लान बनाना है ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं डिवेलप प्लान फॉर कंट्रोलिंग वेरेबिलिटी बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मजरमेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे प्लान में ये शामिल हो कि हम लोग ने अप्रोप्रिएट टूल्स और इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन उस प्लान में हम लोग अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करें स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट की स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो प्रोसीजर यूज कर रहे होते हैं हम उस प्रोसीजर को Throughout the experiment, same रखते हैं और उस उस को को करने के के लिए हम उस experiment को compare करते हैं किसी भी standard के साथ इस तरह क्या होता है है कि हमारे पास एक standard या true value है और उसके साथ जब हम कंपैरिजन कराएंगे अपने एक्सपेरिमेंट का तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज बेहतरीन तौर पे और अच्छे तरीके से हमें उसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी नेक्स्ट है यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक के एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे अब उस प्लान के अंदर शामिल करेंगे स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की स्पेसिफिक जो टेक्निक है उसको यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही हो सकता है जिसमें स्टैट्स आती हो और स्टैट्स के फार्मूलाज वगैरह लगते हों उसके जरिए से हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी हमेशा और वो हमेशा हमारा अप्रूव्ड रिजल्ट होगा जिसको हमने प्रूव किया होगा स्टैट्स के एनालिसिस के जरिए से एंड लास्ट पे है डेवलपिंग अ डिटेल्ड प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट के उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हम लोग एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल डिवेलप करें प्रोटोकॉल डिवेलप करने का क्या मतलब होता है प्रोटोकॉल को हम लोगों ने इसी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये एक प्री डिफाइंड रिटर्न प्रोसीजरल मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और हर इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं एक तरह का ये सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हम लोग ने फॉलो करना होता है और ये फॉर्मल रूल्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोविड के इरा में हमारे पास एस ओ पीज आए थे कि हमने मास्क लगाना है और डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग उसके अलावा किसी से हाथ नहीं मिलाना तो ये सब प्रोटोकॉल्स थे तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे अपने प्लान को डिवेलप करने के लिए जब हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया जिसके ज़रिए से हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आने वाली वेरेबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो उस प्लान में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी कि हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट टूल्स हैं और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है उसके अलावा हम हम लोग ने एक्सपेरिमेंट की कंडीशन को स्टैंडर्डाइज करना है उसको एक स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करने का प्लान हो उसके बाद हमने उसमें स्टैट्स के फार्मूलाज लगाने हैं मतलब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ करनी है वो टेक्निक्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं एक प्रॉपर रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए और लास्ट में हम लोग एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप करेंगे प्रोटोकॉल के रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए स्टेप नंबर फोर है कंडक्ट अ पायलट स्टडी स्टूडेंट्स पायलट स्टडी का जो वर्ड है ये आप लोग लैब में इसको यूज़ करेंगे जब हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पायलट स्टडी का मतलब एक इनिशियल स्टडी है जो कि एक स्मॉलर स्केल के ऊपर होती है ये एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक टूल है जो रिसर्च के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए से एनालिस्ट या साइंटिस्ट एक, एक तरह का इनिशियल एनालिस करते हैं एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे एनालिसिस जो कि हमारी हेल्प करेगा फुल स्केल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले मतलब कि हमारे पास जो सैंपल है हमने उसका जो भी एनालिसिस करना है तो उसके जो असल वाला कंप्लीट एनालिसिस है उसको करने से पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं एक छोटा सा इनिशियल एनालिसिस कर लेते हैं उस इनिशियल एनालिसिस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे आगे जो भी अगर प्रॉब्लम आनी है तो हमें उसका पहले से अंदाज़ा हो जाता है और इस इनिशियल एनालिसिस को हम लोग पायलट स्टडी बोलते हैं पायलट स्टडी की डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं आ पायलट स्टडी इज़ अ रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बिफोर द प्लैंड स्टडी मतलब हमारी जो इंटरनेशनल या प्लैंड स्टडी है या जो भी एक्सपेरिमेंट हमने करना है उसको इंटरनेशनली परफॉर्म करने से पहले हम उसको इनिशियल लेवल पे और स्मॉलर स्केल पे थोड़ा सा परफॉर्म करें इसको हम लोग पायलट स्टडी बोलते हैं कंडक्ट आ पायलट स्टडी टू टेस्ट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स एंड आइडेंटिफाई एनी पोटेंशल इशूज़ आर प्रॉब्लम दैट मे आरइ कि अपने मेन एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम लोग एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो भी हमारे इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नेक्स्ट हमारे फाइनल एक्सपेरिमेंट के अंदर उनका हमें पहले से अंदाज़ा हो जाएगा और इसको हम लोग पायलट स्टडी कहते हैं रिफाइन द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एंड आइडेंटिफाई एंड एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी मेड टू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स कि अगर जो हमने प्रोसीजर किया है उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो हम क्या करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को या जो एक्सपेरिमेंटल हमारा प्लान था जो हम लोगों ने स्टेप थ्री में किया था हम उसको रिफाइन करेंगे मतलब हम उसको उसमें अच्छी तब्दीलियाँ लाएंगे और उसको दोबारा से परफॉर्म करेंगे और हम तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारे पायलट स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम बाकी ना रह जाए नेक्स्ट हम लोग स्टेप फाइव के ऊपर आते हैं इम्प्लीमेंट द ऑप्टिमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि अब ऑप्टिमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने प्लान को इफेक्ट के ऊपर अब पुट करेंगे मतलब कि हमने प्लानिंग पहले कर ली थी और अब हम लोग अमल दरामद करवाएंगे एक बार हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑप्टिमाइज हो गया उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही वाला स्टेप है कि अब हम उस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करें एक स्टैंडर्डाइज और कंसिस्टेंट मैनर के अंदर इंप्लीमेंट द ऑप्टीमाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि हमारे पास जो भी ऑप्टीमाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आया था उसको हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे अप्लाई करेंगे इन अ कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज मैनर एक कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज मैनर के अंदर बाई फॉलोइंग डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स और उन प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो करेंगे जो हमने डिवेलप किए थे ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस अपने प्रोसेस के अंदर इस स्टेप में हम लोग एक कंसिस्टेंट तरीके से और एक स्टैंडर्डाइज मैनर के अंदर मतलब लगातार और एक ऑर्डर के अंदर या किसी भी अरेंजमेंट के साथ तरतीब से हम अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जो हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखा था उसको अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपने प्रोसेस के ऊपर और अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इंश्योर दैट आल ऑपरेटर्स आर ट्रेन टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट इन द सेम वे और ये इंश्योर रहे कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो एक ही तरीके से जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट कर रहे हो और इंडस्ट्रीज में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है वर्कर्स को या ऑपरेटर्स को और वो ट्रेनिंग उन्हीं उन्हीं प्रोटोकॉल्स के मुताबिक होती है जो हमने डेवलप किए होते हैं अब स्टेप नंबर सिक्स है मोनीटर एंड एवेलुएट द रिजल्ट्स। अब ऑप्टिमाइज्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिजल्ट्स को मोनीटर करें और उनको इवेलुएट करें और हम इंश्योर करें कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो चुका है मोनीटर एंड इवेलुएट द रिजल्ट बाई कंड्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू असैस द वेबिलिटी ऑफ मेयरमेंट एंड डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजल्ट अब इसमें हम लोग किस तरह से मोनिटर और एवेलुएट करते हैं अपने रिजल्ट को हम लोग प्रॉपर स्टेटिस्टिकल एनालिस को यूज करेंगे और उनको यूज करते हुए हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरह का आया है और हमें अपनी सिग्निफिकेंट मेजरमेंट्स मिल जाएंगी अब लास्ट स्टेप है स्टेप सेवन रिफाइन द प्रोसीजर स्टूडेंट्स रिफाइन का मतलब होता है किसी भी प्रोसीजर के अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना या फिर इम्प्रूव करना अब ऐसे केसेस जिनमें हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम अपने प्रोसीजर को रिफाइन करेंगे मतलब इम्प्रूव करेंगे ताकि हमें ज्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सके रिफाइन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू इंप्रूव द प्रोसीजर ऑफ़ द मेजरमेंट एंड रिड्यूस वेरिएबिलिटी कि अगर हमारे पास फिर भी जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें वेरिएबिलिटीज़ हैं तो हम अपने प्रोसीजर को रिफ़ाइन करेंगे और उससे हमारी प्रोसीजर भी इम्प्रूव होगी और जो हमारी वेरिएबिलिटीज हैं और चेंजेस हैं वो रिड्यूस होंगी अब इसके अंदर हम अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग डिफरेंट मयरिंग टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने प्रोटोकॉल्स को भी दोबारा से चेंज कर सकते हैं और अपने प्रोसीजर को दोबारा से राइट करेंगे और फिर दोबारा से उसको अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये वाली स्लाइड मैंने ऐड किया आपके हर हाँ टॉपिक के बाद कंक्लूजन की स्लाइड में पढ़ने वाले टॉपिक को भी हम लोग रिवाइज कर लिया करेंगे और हम लोग ये भी कंक्लूड कर लेंगे कि जो हमने सारा पीछे पढ़ा है उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या कंक्लूजन है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अप्रोच टू द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करने से हमारे पास रिजल्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और इसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच आती है अब रिसर्च के अंदर सिस्टमेटिक अप्रोच क्या चीज़ होती है ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन है एक वेल डिफाइंड मैथडोलोजी को हम कहते हैं मतलब कि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग एक वेल डिफाइंड मेथड को यूज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब तक हमने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करने के लिए सेवन स्टेप्स पढ़े हैं उनको मैं रिपीट कर देती हूँ सबसे पहले डिफाइन द परपज उसके बाद स्टेप टू में आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी थर्ड स्टेप में डेवलप अ प्लान फॉर कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग कंडक्ट करते हैं पायलट स्टडी को फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की इंप्लीमेंटेशन करते हैं सिक्स स्टेप के अंदर हम मोनिटर करते हैं अपने रिजल्ट को और उनको एवेल करते हैं और लास्ट स्टेप के अंदर हम अपने प्रोसीजर को रिफाइन करते हैं तो इन सेवन प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए हम लोग इजीली अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उससे क्या होगा हम अपनी प्रिसीजर को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और हमें ज़्यादा एकोरेट और ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलेंगे और हमारी और हमारी जो मेयरमेंट्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर विद वेनेडियम क्योंकि इस टॉपिक में वेनेडियम की एग्जांपल बहुत ज़्यादा दी हुई थी जितनी भी मैंने देखे हैं और टॉपिक्स लेकिन मैंने जो उनसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ाई है वो सबसे इजी है और उसके करने के लिए आपको कोई मुश्किल चीज नहीं होगी आपने सिर्फ क्या करना है कि ये जो हमने सेवन स्टेप्स पढ़े हैं आपने इनको अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है और यही स्टेप्स जो हैं ये आपके काम आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब विनेडियम क्या है विनेडियम का आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ ग्रुप के अंदर विनेडियम प्रेजेंट है

कि हम लोग ऑटोमिक ऑब्जॉर्वशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से अपने सैंपल और में से वेनेडियम की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं और हम लोग ने इस प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करना है ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम लोग अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आने वाली वेलीबिलिटीज़ या चेंजेस को कम करते हैं रूल्स को अप्लाई करते हुए और वो सेवन स्टेप्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे और बाद में हमें प्रिज रिजल्ट्स हासिल होंगे जो कि ज्यादा एक्यूरेट होंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वन में क्या करते हैं आपको पता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं अब हमने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग ने अपने सैम्पल में से वेनेडियम की कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन करना है अब स्टेप स्टेप टू के अंदर हम लोग पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ वेरिबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं द पोटेंशियल सोर्स ऑवेलबिलिटी इंक्लूड वेरिएशन इन दैंपल प्रिप्रेशन इंस्ट्रोमेंट कैलिब्रेशन एंड ऑपरेटर टेक्निक्स आप पोटेंशियल सोर्सेज में कौन कौन से आप सोसेज आ सकते हैं हमने पहले पढ़े भी हैं इसमें हमारी सैम्पल की प्रिप्रेशन में गलती आ सकती है हमारे इंस्ट्रोमेंट की कैलिब्रेशन में मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स कैलिब्रेशन क्या चीज़ होती है कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि एक तरह से इंस्ट्रोमेंट का इंस्ट्रोमेंटेशन की डिजाइनिंग को हम कहते हैं जिसमें हम लोग अपने इंस्ट्रोमेंट को तरतीब देते हैं

मेयरमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेनेडियम में उसमें हमारे कोई भी अच्छा रिजल्ट ना आ सके फॉर एग्जाम्पल इफ द सैंपल इज़ नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड और इफ द इंस्ट्रोमेंट इज़ नॉट प्रॉपरली कैलिटेड एंडोरेसिव मेयरमेंट में भी इफेक्टेड वही बात आ गई है कि इसमें क्या वजह हो सकती है या तो हमारा सैम्पल प्रिपेयर नहीं हुआ, हुआ सही तरह हुआ होगा या फिर हमारे इंस्ट्रोमेंट की कैलिब्रेशन नहीं होगी या हमारे ऑपरेटर की टेक्निक्स में खराबी होगी उसको वर्किंग नहीं आती होगी यही वजह हो सकती है जो कि हमारे रिजल्ट की एक्यूरेसी को ख़राब कर रहा है नेक्स्ट स्टेप थ्री के अंदर हम लोग एक प्लान डिवेलप करते होते हैं वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए तो हम वही इस प्रोसेस में करेंगे वेनेडियम के लिए टू कंट्रोल वेरिएबिलिटी इन दिस एक्सपेरिमेंट द सैंपल विल बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट विल बी कैलिब्रेटेड यूजिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम क्या करेंगे अपने सैंपल की प्रिपरेशन को अच्छा रखेंगे और ये देखेंगे कि हमारा सैंपल बिल्कुल सही तरीक़ों से प्रिपेयर हो उसमें कोई इंप्योरिटी वगैरह ना आए या उसकी मेजरमेंट में कोई ख़राबी ना आए और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हम उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट करेंगे अब कैलिब्रेशन करने के बहुत से प्रोसेस हो सकते हैं प्रेशर कैलिब्रेशन टम्परेचर कैलिब्रेशन फ्लो कैलिब्रेशन पीपेड के ज़रिए हम लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मकैनिकल वग़ैरह वेस्ट भी हो सकते हैं ये एक अहद से टॉपिक है जो हम लोग इन पढ़ेंगे और मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको प्रोवाइड करूँ तो हम एक स्टैंडर्ड सोलूशन को लेके अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेंगे मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ दो तो विल आल्सो फॉलो आर डिटेल्ड प्रोटोकॉल और जो ऑपरटर है वो भी क्या करें कि सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिटेल में फॉलो करें और फिर उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करें और फिर इंश्योर करें दैट आर कंसिस्टेंट एंड एंडलाइएल और फिर यह श्योरिटी हो हमारे पास कि जो हमारे मेजरमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं और रिलायबल है मतलब कि हम लोगों ने वेरिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए जो प्लान डेवलप किया है उस प्लान को हम लोग इंश्योर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हम लोग एक पायलट स्टडी को कंडक्ट करते हैं स्टेप फोर के अंदर तो हम ऐसा ही करेंगे अ पायलट स्टडी विल बी कंडक्टेड टू टेस्टल कि हम लोग एक स्मॉल लेवल के ऊपर एक स्मॉल स्केल पे पायलट स्टडी करेंगे उस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे और उसमें आने वाली इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन हमें हो जाएगी पहले से अब अगर उसमें कोई पसा नहीं आता तो फिर तो ओके okay है कि जो हमने प्लान डिसाइड किया था वेरिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए वो ठीक है लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर हम दोबारा से जो स्टेप थ्री होता है वो परफॉर्म करेंगे हम उस प्लान को दोबारा से डेवलप करेंगे और दोबारा से पायलट स्टडी करेंगे और हम तब तक करेंगे जब तक हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो हमारे पास अच्छा ना आए नेक्स्ट स्टेप फाइव में हम लोग अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑप्टीमाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की इसमें वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने स्टेप्स या प्रोटोकॉल्स लिए होते हैं उनको हम लोग अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और इस प्रोसीजर को कंसिस्टेंट और स्टैंडर्डाइज मैनर के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ये वही पुरानी बातें हैं और स्टेप सिक्स के अंदर हम लोग मोनीटर करते हैं अपने रिज़ल्ट को एवेलुएट करते हैं उनके ऊपर अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए और लास्ट पे हम लोग अपने प्रोसीजर को रिफ़ाइन करते हैं कि अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है या हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो हम दोबारा से अपना जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके ज़्यादा अच्छी डिटर्मिनेशन कर सके विनीडियम की स्टूडेंट्स आप चाहें तो दो बार इसको ना लिखें जो पहले सावन स्टेप्स है उसके अंदर ही आप विनीडियम की एग्जाम्पल को हर स्टेप में डालते जाए इसमें कोई नई बात नहीं है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है तो स्टूडेंट्स हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है ऑप्टिमाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्टेनिंग रिलायबल रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंट इन वेनेडियम कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर उसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके ऑप्टिमाइजेशन से हमें एकोरेट और रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं और नीचे वही स्टेप्स बार बार लिखे हुए हैं कि हम वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करके हम पायलट स्टडी को कंडक्ट करके हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की इंप्लीमेंटेशन करके रिसर्चर्स जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं प्रिसीजन ऑफ देयर मेजरमेंट्स एंड इम्प्रूव दी ऑफ देयर रिजल्ट्स कि वो अपने मेजरमेंट में आने वाली प्रोसीजन को मिनिमाइज कर सकते हैं students, और एक को इम्प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स और डिटेल में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी जाके पहले उस वीडियो को देख सकता है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपको ये किस तरह की लगी है मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूले अल्लाह हाफिज बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ